Good afternoon, everyone. The book Is God Friendship has created sensation among you and has become a national bestseller by selling 1 lakh copies within 1 week. So, to reveal the second edition of this book, we have the director of Government College of Engineering, Amravati, Dr. Das, Ms. Ananya Naidu, and the author of this book, Mr. Ishan Nair. I am honored to tell you that Mr. Ishan Nair is alumni of our college and is an inspiration to many youth. So, I request Mr. Ishan Nair to speak few words on this occasion. Please, sir. Hello guys, मैं ईशान नायर। मेरे ख्याल से आप सभी ने ये बुक पढ़ी होगी, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बुक ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। आज मैं बुक डेडिकेट करता हूँ मेरे उन 5 दोस्तों को, मेरे 5 खास दोस्तों को जो मेरी गलती की वजह से आज मेरे साथ नहीं है। सो आई इंसिस्ट अवर गेस्ट टू रिवील द सेकेंड एडिशन ऑफ माई बुक। जिकडे तिकडे ईशानच न्यूज वर आहे। ईशान बे, हा त्या पुस्तक काढत आहे। अरे यार, तो आपल्याला सॉरी बोलतो। एक काम करू ना, आपण सगळे त्याच्याशी भेटूया ना। अरे हे बघ, माझं नाव लिहिलं त्यांनी। अबे माझं पण आहे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, तो यही वो जगह है जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई। तो चलिए मिलवाता हूँ मैं आपको मेरे कुछ खास दोस्तों से। माजा करे हाँ, क्या सिनाची इज्जत अस्ते करे? अरे यार, यार कुछ चाहे क्या? क्या रहेगा? ये ना संदूषा करता। अरे डर मत छोटे, जब चार्ली का साथ है तो डरने की क्या बात है। ये है चार्ली, नौटंकी साला, और दूसरा नाम जैसा ही लल्लू। तो ये है प्रतीक गोलतोंडे। इसने कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कैंटीन में कदम रखा।
यह है अर्जुन देशमुख। इसे पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं। और यह है शरियो, सबसे बिंदास लड़की। फिर हमारी हॉस्टल लाइफ शुरू हुई। हॉस्टल लाइफ में सबसे डरावनी चीज मतलब रैगिंग। रैगिंग से तो बहुत डर लगता था, लेकिन जब आज वही बातें याद करो तो बहुत हंसी आती है। उन दिनों हॉस्टल पे जूनियर्स को हाफ पैंट पहनना अलाउड नहीं था, लेकिन अब हमें क्या मालूम था। बस इसी चक्कर में हम पांचों पकड़े गए। सर उसके रंग बिरंगी चड्डिया देखो सर, ऐसा लग रहा है कि गोवा घूमने आए हैं सर। अब इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर, पनिशमेंट। सर थर्ड डिग्री दे। थर्ड डिग्री? थर्ड डिग्री दे काला सर। हो जाए सर, आज थर्ड डिग्री हो ही जाए। अरे ये मान ले गया तूने? हां अरे हवा कड़ होती काला चड्डा घर में है। हां समझ नहीं आई, एवढी सुनी रुपया दी तर ए थर्ड डिग्री दू यार। सर काहीतरी जबरदस्त पनिशमेंट पाहिजे सर। थांबा सर, जास्त माल कोणा नाही का बस। हां या या तुम्ही तिथे या हो, इकडे या। केवढा खुश झाला तो, केवढा खुश झाला, एकदमच खुश आहे। अजून खुश करू आपण, काहीतरी खुश करायला लागतं सर। सर थोडी सुट्टे बाजूला होती। चला भाऊ, तुमच्या चार जणांना ना या बेडच्या घरून जायचंय 50 वेळा, नाही केलं तुम्ही एक कॉलेज सोडून जाल, ही गॅरंटी मी देतो। कैसे तो भी करके हमने 50 राउंड पूरे कर लिए, लेकिन अब बारी अर्जुन की थी। बेचारे के साथ कुछ और भी बुरा होने वाला था। इसके पूर्ण कॉरिडोर की लेंथ मोजून का, या वी पासून त्या वी पर्यंत लेंथ जर चुकली पुन्हा मोजायला लागेल, सकाळपर्यंत झालं पाहिजे काम। ठीक आहे? रात भर बेचारा अर्जुन कॉरिडोर के लेंथ गिनते रहा। अब सीनियर्स ने तो रैगिंग ले ली, लेकिन अब हमारी बारी थी बदला लेने की। आगे के दरवाजे से आना और चालू क्लास में पीछे के दरवाजे से भाग जाना, बस यही हमारा प्लान था। बट कभी कभी पकड़े भी जाते थे और बाद में गेम ओवर। कॉलेज के सामने वाली दीवार, ये था हमारा अड्डा। दिन भर वहां पे बैठे रहना, बातें करना और वहां से हरियाली देखना,
बस यही हमारा टाइम पास है। अबे वो लड़की देखो ना जिसपे कल हम हंसे थे कल, अरे बहुत इज्जत निकाली थी यार, जान लेना। तो वैसा थोड़ी रहता है यार, हमने सॉरी बोलना चाहिए उसे। अबे जाने देना यार, मैं तो जा रहा सॉरी बोलने। जा जा। मैंने तो उसे सॉरी बोल लिया, अब मेरे दोस्तों की बारी थी। सॉरी। मुश्किल से ही सही, पर उसने हमें माफ कर दिया और बस इसी तरह हमारे दोस्ती के सफर में एक और साथी जुड़ गया। बस इसी दौरान लल्लू ने यूनिवर्सिटी मैच में इतिहास रचा। अबे नहीं यार, अपन 4-1 से आ रहे, लेकिन महत्व की बात यह है कि अपने लल्ले ने यूनिवर्सिटी में जाके गोल मार के आया भाई। यार मैंने कितनी बड़ी मैच मिस कर दी। अबे अपने कॉलेज से किसी ने गोल मारा होगा तो लल्ले ने मारा, वो भी यूनिवर्सिटी में जाके। नहीं आया, देखने नहीं आया। शिट यार, तू मिस कर दिया। एग्जाम्स का दौर था और कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुकी थी और एडी को तो एक एक मार्क कीमती था। अबे यार सरांनी मला असाइनमेंट मध्ये कमी मार्क दिला यार। अबे काय नव्हतं, एकच मार्क कमी भेटला माझ्यापेक्षा, पुढच्या वेळेस काढून घेशील। भरपूर काढशील एग्जाम्स के पहले सबकी हालत कुछ इस तरह थी। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार, रट्टा मार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, ये नव न्या लवकर लवकर ये ना। पेपर है ना बे, उद्या पेपर होते लेका प्रश्न है ना। एका सेम मध्ये 5 सब्जेक्ट असते, 3 आपण काढू शकतो, एक तर साला राहतेस, एक तर मास्तो लोक होते। लेगा क्या लेगा क्या तू खाट कट के पीछा कोने चीता यार, रट्टा मार। ईशान काय करू काका लेतो रे? अबे अभ्यासाचं कर ना, बघू बरं काय झालं। चेहरे की हसी से हर गम चुराओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना छुपाओ, खुद ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, राज है ये जिंदगी का बस जीते चले जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, मस्त बे। अबे मस्त बे, तो तू ट्राई कर ना, कॉलेज मध्ये खूप कॉम्पिटिशन होता, ट्राई करत जाशील का? पण आता अभ्यास करशील? अभ्यास कर पहिले। फायनली एग्जाम्स खत्म हो गए, अब टाइम था थोड़ा सेलिब्रेट करने का। करता
हॉस्टल में आधी रात को डरावनी मूवीज देखने का मजा ही कुछ और था। चार साल से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे आखिर वो घड़ी आ ही गई। प्लेसमेंट इंटरव्यूज हेलो सर, आई एम ईशान नायर एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। योर ग्रेड्स आर वेरी लो, हाउ कैन वी गिव यू दिस जॉब? सर आई एम गुड इन टेक्निकल स्किल्स बट आई एम नॉट सो गुड इन थ्योरी। सी, दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। योर कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑल्सो प्रीटी लो। व्हाट कुड यू डू टू अपलिफ्ट इट? सर, गिव मी वन चांस, आई विल ट्राई माई बेस्ट। Sir, please, sir. See, there is nothing like chance, and your performance wasn't up to the mark. Now let's see what happens. Nice meeting you, Mr. Nair. Interviews to ho gaye. Ab intezar tha, to bas results. Well, well, apan place ho gaye. Oh, 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 oh. तुम सारे खुद कर दो सबके सब। कुछ नहीं होता ना बे। तुम हो गए, मैं तो रह गया ना। Sorry, यार निशान। जाओ निकलो, तू भी निकल। किसी से बात नहीं करनी मुझे। ईशान शुक्र है वो सिर्फ सपना ही था। इंजीनियरिंग के चार साल तो आखिर खत्म हो गए। शरयू ने जीआरई क्रैक कर ली और बाकी चारों को जॉब मिल गई और मैं हारा हुआ महसूस कर रहा था। इसी चक्कर में मैंने अपने सबसे अजीज दोस्तों के दिल दुखाए और उन्हें बिना बताए हॉस्टल छोड़ दिया। पता भी नहीं था कि कभी हम सब फिर से मिलेंगे भी या नहीं। यार अलविदा हो रहे तुमसे हम जुदा, ले चले सारे हम तेरे
खुश रहे यारा तू सदा तुमसे आखिरकार मेरी जिंदगी की कहानी और मेरे किताब का अंत एक ही हुआ। मैं माफी के लायक तक नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे माफ किया। जिंदगी में कई दोस्त मिलते हैं, लेकिन बहुत कम दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें अपनी जिंदगी मिलती है। बस सलाम उस दोस्ती को।